क्योंकि मेरी तरफ ध्यान रखोगे ना तभी तो मैं चटनी बनाऊंगा सबकी। ये मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं किसानों को आजादी दिलाऊं राजस्थान का, और गुंडे बदमाशों को हथकड़ी दिला के पैदल मार्च निकलवाऊं राजस्थान के अंदर, चाहे वो कितने भी इस राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा। 90 लाख में से आप जोड़ लें 80% पोलिंग होगी, और उसका 70% भी अगर आरएलपी को मिल गया, जो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कौन बनाएगा, पेपर लीक की घटनाओं पे कौन अंकुश लगाएगा, कौन बजरी माफिया का इलाज राजस्थान के अंदर करेगा, कौन कर्ज मुक्त किसान करेगा, कौन जवानों को रोजगार दिलाएगा, कौन बहन बेटी अबला की इज्जत बचाएगा, किसका शासन आने से गुंडे अपराधी राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे, वो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहेगा। और ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में कोई ला सकता है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर ला सकती है। भाइयों मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर मोदी से लड़ रहा हूँ, स्टेट में गहलोत से लड़ रहा हूँ, पायलट से दोस्ती थी वो भी रूट के चले गए अलग, झगड़ा में गहलोत से नहीं कर पाए, गहलोत की छतरी के नीचे चले गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल की लड़ाई जारी है। और मेरी लड़ाई किसके पीछे, आपके लिए, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। मुझे अगर सत्ता में शामिल होना होता कभी का हो जाता, अब होना चाहूँ